आप सभी को महाशिवरात्रि के उपलक्ष पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएए के विरोध के नाम पर जिस प्रकार की घृणा की राजनीति हो रही है, आज हम सब उससे परिचित हैं। जहां तक सीएए के विषय में ये जो तथाकथित प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट करना बुरा नहीं है, लोकतंत्र में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किंतु जिस प्रकार की घृणा की राजनीति, जिस प्रकार की हेट्रेट की राजनीति पूरे देश में कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसका कुछ उदाहरण आपके सामने हम लेकर आए हैं। बंधुगण, इस पूरे प्रोटेस्ट में आपको याद होगा, चाहे शाहीन बाग हो दिल्ली में या जो तथाकथित शाहीन बाग पूरे देश में बने हुए हैं, उनका कोई झंडा बरदार है, तथाकथित लीडर है, तो उनका नाम ओवैसी है, AIMIM पार्टी है। आप याद करिए, शाहीन बाग में आकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वारिस पठान इत्यादि ने बहुत सारे भाषण किए हैं, उनको मार्गदर्शन दिया है, उनको गाइडेंस भी दिया है। कल ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, यह कोई साधारण मंच नहीं था, यह सीएए के ऊपर मंच था, सीएए के विषय में उस मंच पर बातचीत हो रही थी, उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। बंधुगण, जब मंच के पीछे यह सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। जब मंच के पीछे पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की बात होती है और मंच के आगे संविधान और तिरंगा पकड़ने का नाटक किया जाता है तो कभी कभी हकीकत मुंह से निकल जाता है। तो यह जो पाकिस्तान जिंदाबाद धड़ल्ले से बोला गया ओवैसी के मंच पर, एक बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में खोट जरूर है और वो मुसलमानों को एक कैनन फॉडर के रूप में उनको बरगलाकर, उनके सामने झूठ परोसकर, उनको झूठ बोलकर सीएए के प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार की वार्तालाप कर रहे हैं, जिस प्रकार का एक षड्यंत्र रच रहे हैं, वो आज हम सब देख रहे हैं। बंधुगण, पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से हैं जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठाल अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे, वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। वारिस पठान क्या कह रहे थे, और याद रखिए, वारिस पठान कोई इंडिविजुअल नहीं है, वारिस पठान ओवैसी जी के पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व विधायक है, और उनका क्या कहना था। पहला, वो कह रहे थे हम छीन के लेंगे आजादी। जब आजादी मांगने पे नहीं मिलती है तो छीन के आजादी लेनी पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं इन तथाकथित लिबरल्स से कि कौन सी आजादी चाहिए आपको, किससे आजादी चाहिए? संविधान से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, देश से आजादी? कौन सी आजादी जो आपको ना हिंदुस्तान की सरकार दे पा रही है, ना हिंदुस्तान का हाईकोर्ट दे पा रहा है, ना हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट दे पा रहा है, जो आपको छीन के लेना पड़ेगा? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है सीएए के मसले पर और बाकी सारे मसलों पर जिसमें भी आपके मन में संशय था, उन सारे मसलों पर आप सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कुछ विषय में सुनवाई हो चुकी है, फिर भी आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है और आप कह रहे हैं हम छीन के लेके लेंगे आजादी क्योंकि हमें आजादी मिल नहीं रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू ऑल द लिबरल्स, नॉट जस्ट मिस्टर ओवैसी, ये बार बार जो आजादी आजादी के नारे लगाते हैं, कौन सी आजादी आपको चाहिए ये आज आप हमें बताएं। नंबर 2, ओवैसी जी के पार्टी ने कहा कि ये जो शाहीन बाग में महिलाएं बैठी हुई हैं ये शेरनियां हैं, और अभी तो केवल शेरनियां उतरी हैं और आपके पसीने छूट गए, जब हम उतरेंगे तो आपका क्या होगा? तो इनफैक्ट वी हैव बीन विंडिकेटेड, जो हम कह रहे थे वो सत्य था कि इन दादियों को आपने शील्ड के रूप में, एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है। यू हैव यूज द लेडीज ऑफ शाहीन बाग जस्ट एज अ शील्ड टू फर्दर योर कॉज ऑफ हेट्रिट, टू फर्दर योर कॉज ऑफ रॉन्ग एंड फॉल्स प्रोपगेशन। जो प्रोपगेशन आप गलत तरीके से कर रहे हैं उसके लिए आपने इन दादियों को एक शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया है, उनको आप शेरनी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जब आप उतरेंगे तो न जाने देश में किस प्रकार का माहौल होगा।
और अंत में ओवैसी के पार्टी के लोग जो कहते हैं, और मैं तो कहूंगा ये ओवैसी की पार्टी नहीं, खुद ओवैसी ही कहती है, क्योंकि जैसे गांधी फैमिली इज इक्वल टू कांग्रेस, ठीक उसी प्रकार ओवैसी इज इक्वल टू एआईएमआईएम। एआईएमआईएम कोई ओवैसी जी से अलग नहीं है। तो अंत में ये पार्टी कहती है, ओवैसी जी कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। कौन है ये 15 करोड़ और 100 करोड़? कौन है ये? कौन 15 करोड़ है जो टेक ओवर कर लेंगे 100 करोड़ के ऊपर? देखिए, हिंदुस्तान की जनता मूर्ख नहीं है, ये पढ़ी लिखी बुद्धिमान जनता है, जनगणना के विषय में जानते हैं। और आज ये लोग जनगणना क्यों रोकना चाहते हैं, एनपीआर क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते नहीं ये संख्या सामने आए, किंतु संख्या सामने है। किसकी संख्या लगभग 100 करोड़ है, किसकी संख्या लगभग 15 करोड़ है? आप देश को क्या करना चाहते हैं? आप इस प्रकार के विभाजनकारी बयानों को क्यों जारी कर रहे हैं? आप देश के लोगों को लड़वाना क्यों चाहते हैं? Why are you intimidating people? Why are you instigating violence in this country is my question, not only to Mr. Owaisi, but to all those so-called liberals who are standing behind Mr. Owaisi, who are like Owaisi. Bandhugan, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो ओवैसी की पार्टी ने कल कहा है, ये कंटिन्यूम में है। आज से कुछ वर्षों पहले उन्होंने 15 मिनट की बात की थी। ओवैसी जी ने कहा था, दूसरे उनके छोटे भाई छोटे ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर देखो हम हिंदुओं का क्या करते हैं। और याद करिए, आज से लगभग एक महीने पहले जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, उस समय सीएए के एक प्रोटेस्ट में अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 800 सालों तक मुसलमानों ने इस मुल्क पर शासन किया है, हम शासन करने वाले शासक हैं 800 वर्षों तक, मुसलमानों ने इस मुल्क को लाल किला दिया, मुसलमानों ने इस मुल्क को जमा मस्जिद दिया, चार मीनार दिया, कुतुब मीनार दिया, आपने क्या दिया? ये तो वही बात है, ये तो वही ललकारने वाली बात है कि 100 करोड़ ने क्या दिया भैया, हमने सब कुछ दिया है। वो लाल किला दिया जिस पे तुम्हारे प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराते हैं, ये अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान था। और आज उसी ओवैसी के पार्टी के वारिस पठान कहते हैं कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी। तो इसको इसको आप समझ रहे हैं ना, ये जो नियत है, इस नियत में खोट है। बंधुगण, आई फील अफ्रेड टुडे, आई फील अफ्रेड टुडे बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ डेट, एंड द डेट बीइंग 16th of August 1946 व्हेन द मुस्लिम लीग in India had given a call, Muslim League in the undivided India had given a call of direct action day. The Muslim League wanted a separate Pakistan and they wanted the Muslims of the country to show their strength. Wo chahti thi Muslim League ki jo musalman Hindustan ke hain wo apna strength dikhaye. Natija aap sab jante hain, direct action day hua Kolkata mein, lagbhag ek hafte tak hua, jisko angrezi mein kaha jata hai week of long knives. हजारों हजार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, उसका नतीजा हम सब ने देखा था क्या हुआ। द मेहम वॉज अनलीस्ड ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कैलकटा, एंड येट अगेन टूडे वी हैव मिस्टर ओवैसी एंड हिज पार्टी ऑलमोस्ट अकीन टू मुस्लिम लीग गिविंग आउट अ कॉल ऑफ समथिंग लाइक डायरेक्ट एक्शन डे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फर्क है जिन्ना में और ओवैसी में? जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया था और ओवैसी की पार्टी ने आज कहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी, यह भी डायरेक्ट एक्शन कॉल है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत संवेदना के साथ यह सवाल पूछती है, अगर भाजपा के किसी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान दे दिया होता तो आज सारे लिबरल्स, तथाकथित लिबरल्स सड़क पे उतर जाते, ये सारे जो लुटियंस जोन के जो लिबरल्स हैं ये सारे सड़क पर उतरकर पूरे देश में कोहराम मचा देते। एक भी आज नहीं उतर रहा है, एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है। कहां है, कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका जी, कहां है इनके जो समर्थक कुछ पत्रकार भी हैं, वो लंदन वंडन से आते हैं यहां पे सेमिनार करके जाते हैं, वो अरुंधति अवार वापसी गैंग, कहां है वो अरुंधति राय तीस्ता सितलवाड़ कोचिंग सेंटर चला रहे थे, कहां है वो सब? अभी कोई नजर नहीं आ रहा है बंधुगण, क्योंकि ये सब मुखौटा पहन के घूम रहे हैं। और मैं स्पष्टता के साथ कह दूं, सम्मान के साथ कह दूं,
ये सारे लोग हाथ में संविधान दिल में वारिस पठान, हाथ में संविधान दिल में वारिस पठान, ये सब लोग जो सीएए पे हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रहे हैं, ये सब लोग जो मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, ये सारे लोग जो अतथ्य फैला रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, वास्तविक रूप में इनके हाथ में संविधान है, दिल में वारिस पठान है। आज ये स्पष्ट हो गया है क्योंकि इनमें से एक भी व्यक्ति निकलकर कोई वारिस पठान पे क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा है। बंधुगण, रोज ये बोलते हैं टीवी पर कि ये हम तो सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबकी बात कर रहे हैं, हवन भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बंधुगण, ये सब कुछ हो रहा है तो 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ कहां से आ गया? एक भी दादी को तो मैंने नहीं सुना किसी दादी ने आके इस दादागिरी के विरुद्ध में अपने बयान को रखा हो। आपने सुना क्या? मुझे पता नहीं, हो सकता है किसी दादी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, मैंने नहीं सुना है, मगर मैं अभी तक जानता हूं किसी दादी ने शाहीनबाग के किसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो दादागिरी ओवैसी की पार्टी ने दिखाई है उसके खिलाफ कहा हो।